देखिए, लश्कर तौबा का अच्छा खासा फुटप्रिंट यहाँ पर मौजूद है कश्मीर के अंदर, और इनके जो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जो लश्कर तौबा को चलाते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के जो टेररिस्ट हैं, उनकी काफ़ी तादाद लश्कर तौबा के अंदर काम कर रही है। इस साल के अंदर लगभग 2 दर्जन के करीब जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन के दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसमें लश्कर तौबा के काफ़ी ज़्यादा कमांडर जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी भी इनकी मौजूदगी है नॉर्थ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में, जिसके चलते आने वाले वक्त में अभी भी ये सीरियस थ्रेट जो जहाँ की सिक्योरिटी को पोज करते हैं, जहाँ की सिविलियन सोसाइटी को जो थ्रेट पोज करते हैं, हमारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं, आने वाले टाइम में जो और दहशतगर्द कानूनों में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। हाईवे एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी को गाड़ी लेके चलना है, सिविलियन को चलना है, 99.9% सिविलियन चलते हैं, कहीं एक आध बीच में मिलिटेंट की दहशतगर्द की मूवमेंट भी गाड़ी में होती है, तो क्या एक दहशतगर्द के लिए सब लोगों का चलना फिरना हाईवे के ऊपर बंद किया जाए? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग चेकिंग करते हैं। चेकिंग के दौरान आपको पता है नगरोटा में इनकाउंटर हुआ, चेकिंग के दौरान आपको पता है ज्वार टनल के ऊपर जो वेपन की खेप लेके आए थे वो पकड़ी गई, चेकिंग के दौरान मानसर रोड के ऊपर जो वेपन की खेप पकड़ी गई, इस तरह की बहुत सारी जो दहशत का जो इनका दहशतगर्दों का जो टीम्स आती हैं बॉर्डर पार करके का जो सामान आता है वो चेकिंग के दौरान इंटरसेप्ट होता है। हथियार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार भेजने की कार्रवाई अभी भी जारी है, बहुत सारी उनकी जो कंसाइनमेंट्स है हम लोग इंटरसेप्ट कर चुके हैं। हमारी कोशिश है कि जहां भी ऐसी कार्रवाई होती है उसको इंटरसेप्ट करें, उसकी मालूमात उसकी जानकारी हासिल करें, उसके मुताबिक और कार्रवाई करें। कार्रवाई हमारी तरफ से चल रही है, मगर ड्रोन का इस्तेमाल वेपन ड्रॉपिंग के लिए, नारकोटिक्स को इस तरफ भेजने के लिए अभी भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन पहले के मुकाबले में इस साल कम हुई है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें बार बार की जा रही हैं, और LC और उस पार जो IG का सेक्टर है, दोनों सेक्टर्स में ऐसी कोशिशें जारी हैं।